हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि घर पे हम रंगोली स्टेनर कैसे आसानी से बना सकते हैं। ये मैंने एक बॉक्स लिया है और इसका कैप ले लिया है और कैप को इस तरीके से राउंड से कॉर्नर से पूरी तरीके से कट कर देंगे। साथ ही दोस्तों मेरे चैनल पर जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो आपसे मिस ना हो। और ये कैप हमने कट कर ली है और अब मैंने लिया है दुपट्टे का एक पीस। ये मैंने जर्जट कर दुपट्टा लिया है क्योंकि वो थोड़ा जालीदार होता है, तो जिससे स्टेनर बिल्कुल प्रॉपर बनता है। और उसे इस तरीके से लगाकर हम ऊपर से कैप का जो बचा हुआ हिस्सा है उसे लगा देंगे और ये हमारा स्टेनर बिल्कुल तैयार है। अगर आपको कैप कट करने में प्रॉब्लम है या आपके पास में ऐसा जार है जिसकी कैप नहीं है, तो आप सिंपली दुपट्टे के पीस को इस तरीके से लगा दीजिए और हम रबर बैंड से इसे कवर अप कर देंगे। इस तरीके से कवर अप कर देंगे और जो एक्स्ट्रा है उसे दुपट्टे को अच्छे से खींच के उसे अच्छा सा स्टेनर बना देंगे। और आप ये देख सकते हैं ये स्टेनर बिल्कुल तैयार है। अब दूसरा स्टेनर बनाने के लिए मैं यहाँ पे एक फेविकोल का एम्प्टी बॉक्स ले रही हूँ। इसे आप पानी से अच्छे से धोकर सुखा लीजिए। जो इसका कैप पार्ट है उसे मैं कट डाउन कर लूँगी। इस तरीके से कट डाउन करना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको ज़्यादा ब्रॉड चाहिए तो आप उसे ज़्यादा कट डाउन कर लीजिए। और अब मैं आपको बताने वाली हूँ हम कैसे इन स्टेनर्स का यूज़ कर सकते हैं, तो देखते रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।